हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैपिलरी राइज का इक्वेशन एक्सप्रेशन इसे कैसे प्रूव करना है, कैसे इसे ध्यान में रखना है, इसका ट्रिक भी देखेंगे। तो पहले तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। लेट अस लेट एच बी द हाइट ऑफ लिक्विड राइज। ये एच हाइट ऑफ लिक्विड राइज फॉर लिक्विड राइज विद द डायमीटर ऑफ ट्यूब डी। तो हमने बेसिकली इस थ्योरी में क्या लिखा, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। डायग्राम बहुत ही बेसिक है। ये यहाँ वाटर है, उसमें कैपिलरी ट्यूब डिप कर गई है, इसका डायमीटर डी है, हाइट एच से राइज हुई है। ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा है, ये सिग्मा कॉस थीटा से फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा कॉस थीटा है। तो इसमें हो क्या रहा है, फिनोमेनॉन क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, सरफेस टेंशन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सरफेस टेंशन का फोर्स ज्यादा है, इसलिए इसने ऊपर चढ़ गया है। इस ऊपर चढ़ गया, इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है इस बेस के मुकाबले। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना है, सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी। ये सिग्मा कॉस थीटा पाई डी क्या है, सर्कमफेरेंस। ये एक्ट कहाँ पर, हम अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें ये सर्कुलर दिखाई देगा, और इस पूरे सर्कमफेरेंस पे ये सिग्मा कॉस थीटा एक्ट हो रहा है, यानी कि सर्कमफेरेंस इनटू वो हो फोर्स। और ये लिक्विड राइज हो गया है, इसका भी कुछ वेट होगा। इस कॉलम, ये कॉलम में है, इस कॉलम का वेट क्या है, वॉल्यूम इनटू गामा। गामा क्या है, स्पेसिफिक वेट। हमने पिछले वीडियो में देखा है गामा स्पेसिफिक वेट होता है, और वेट की डेफिनेशन, स्पेसिफिक वेट की हमने डेफिनेशन है पिछले लेक्चर में देखी है। अभी क्या है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये कुछ हिल डुल नहीं रहा है, यानी कि ये क्या है, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस हो चुका है, अंडर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस हो चुका है। ये हम देख सकते हैं कि किससे बैलेंस हो चुका है, जो फोर्स नीचे से सरफेस टेंशन का और ऊपर से वेट का, उस लिक्विड के वेट का। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ लिक्विड, WeIGHT, वेट वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन, ये मैं आप समझने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में प्लीज ऐसा मत लिखिएगा। तो इस सरफेस टेंशन फोर्स से ये जो कॉलम का लिक्विड लिक्विड कॉलम का वेट है वो इक्वल है। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या है, पाई बाय 4 d² इंटू एच इंटू गामा इज इक्वल टू पाई डी सिग्मा कॉस थीटा। ये टर्म के बारे में हम देख लेते हैं। वेट पाई बाय 4 d² इंटू एच, हमने इसका एरिया, सर्कल का एरिया निकाला। तो इस बेसिकली हमने एक सर्कल का एरिया निकाला, इसका गया पाई बाय 4 d² पर। लिक्विड का वेट एच अप टू एच तक है, तो ये जो लेयर्स है वो एच की है। समझ गए हमने कि पाई बाय 4 d² इंटू एच क्यों लिया, और गामा उसका स्पेसिफिक वेट, उस लिक्विड का स्पेसिफिक वेट कितना है। तो अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज के लिए, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज के लिए हम एक साइड में, हमको एच हमें एक साइड में रखना है। तो हम एच को एक साइड में लेंगे, एच को एक साइड में लेंगे और ये टर्म को बाकी के अलग कर देंगे। तो एच को हम अगर एक साइड में लेते हैं तो इसका घुमा फिरा के हमें क्या मिलता है, एच इज इक्वल टू पाई डी सिग्मा कॉस थीटा तो आ गया, ये 4 आ गया,
ऊपर और नीचे पाई इंटू डी स्क्वेयर, ये गया डिनोमिनेटर में। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके क्या आता है, ये पाई को पाई कैंसिल हो जाता है, एक डी को डी कैंसिल हो जाता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा इंटू ये डी, और ये गामा, सॉरी गामा रह गया, ये गामा आ गया। समझ गए आप, ये आ गया इसका फाइनली इक्वेशन। अब हम क्या कंसिडर करते हैं फॉर क्लीन लिक्विड, फॉर क्लीन लिक्विड के लिए थीटा इज इक्वल टू, फॉर लिक्विड एंड एयर, क्लीन लिक्विड एंड एयर थीटा इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं। थीटा अगर 0 कंसिडर करेंगे तो ये पूरी टर्म, ये जो टर्म है वो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आता है, तो ये चीज इक्वल टू क्या हो गया, 4 सिग्मा डी बाय गामा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होगी, आपको ये वीडियो समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है फिर भी तो कमेंट में मुझे लिखकर बता दीजिएगा, मैं फिर और एक वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, आपके कुछ ग्रुप्स हो तो उस पर शेयर कर लीजिएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।